हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम आर यू श्योर शो के एपिसोड 4 के एक बहुत ही बोल्ड मोमेंट को देखेंगे, जिसमें जंगकुक और जिमिन ये दोनों एक साथ पूल में शर्टलेस होकर मजे और स्विमिंग देर रात कर रहे होते हैं। तो जी कुक का साथ में ये शर्टलेस हॉट वीडियो फुल देखने और समझने के लिए आप सभी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो जी कुक रात में सोने से पहले स्विमिंग करने का प्लान बनाते हैं एंड जंगकुक शर्टलेस होकर जब स्विमिंग कर रहे होते हैं तो तभी यहाँ पर जिमिन भी आ जाते हैं और पानी में ये दोनों साथ में पता ही नहीं कौन कौन सी फनी और अजीब करीब हरकतें एक साथ कर रहे होते हैं। सबसे पहले ये दोनों एक दूसरे को हिट करते हैं और इसके बाद जिमिन थोड़ी देर स्विमिंग करते हैं और जंगकुक पानी में फ्लाइंग किस देने लगते हैं। इसके बाद ये दोनों पूल में रॉक पेपर सीजर खेल रहे होते हैं एंड जो भी इस गेम को हारता है तो जीतने वाला उस हारने वाले के फेस पर एक धीरे से स्लैप मारता है। साथ ही साथ BTS ने कई बार जी कुक से रिलेटेड ये तो कहा ही है कि जी कुक कभी कभी ऐसी हरकतें करते हैं जो कि किसी और को नहीं सिर्फ उन्हें ही समझ आती है। तो आज भी ये दोनों पूल में ऐसी हरकतें कर रहे थे और ये दोनों पता ही नहीं कैसे कैसे फनी पोजेस एक दूसरे के साथ इस पूल में बना रहे थे। और ऐसा करते वक्त हमारे प्यारे जंगकुक और जिमिन बड़े ही क्यूट और प्यारे भी दिख रहे होते हैं। एक मोमेंट पर तो कई सारे फनी पोजेस बनाने के बाद जंगकुक व्हेल की तरह स्विमिंग कर रहे होते हैं और जिमिन सीरियसली यहाँ पर जंगकुक को उसके शॉर्ट से पकड़ कर उसे आगे ले जाते हैं। फिर इन दोनों के पूल में स्विमिंग करने के बाद जब ये दोनों शर्टलेस फायर के सामने खड़े होते हैं तो यहाँ पर जिमिन जंगकुक से उसके साथ रेमन खाने के लिए पूछते हैं, लेकिन जंगकुक को अपने म्यूजिक वीडियो शूट करने के लिए डाइट करना होता है तो इसलिए जंगकुक जिमिन के साथ रेमन खाने से मना कर देते हैं। तो आज जंगकुक और जिमिन को एक साथ फुल शर्टलेस ओनली शॉर्ट्स में देखकर आर्मी को मानो अपनी आईज पर विश्वास ही नहीं हुआ और जंगकुक अपने आज इस शर्टलेस लुक और अपनी इन क्यूट पूल पोजेस की वजह से सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत ही ज्यादा ट्रेंड कर रही हैं। तो दोस्तों, जी कुक की साथ में ये क्लिप और उनका ये मोमेंट आप सबको कैसा लगा इसके बारे में मुझे कॉमेंट में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।